वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर, इंडियन टीम का बहुत ही बड़ा जिम्मेदारशील ऑलराउंडर और आईपीएल में रह चुके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में से एक रविंद्र जडेजा का जीवन कथा बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 6 दिसंबर 1988, गुजरात की जामनगर जिले में एक गुजराती राजपूत फैमिली में रविंद्र जडेजा का जन्म होता है। रविंद्र जडेजा का पिता अनिरुद्ध जडेजा एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम किया करते थे और रविंद्र जडेजा का माता लताबेन नर्सिंग का काम करते थे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा का दो बहन थे, नैना जडेजा और पद्मिनी जडेजा। जडेजा का पिता चाहते थे कि जडेजा आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन जडेजा बचपन से क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था। जडेजा का क्रिकेट करियर में बहुत बड़ा भूमिका रखते हैं कोच महेंद्र सिंह चौहान। महेंद्र सिंह चौहान है तो एक पुलिस वाला ही, लेकिन उनका क्रिकेट बंगलो नाम करके एक क्रिकेट क्लब है और कोच महेंद्र सिंह चौहान के पास ही जडेजा बचपन से प्रैक्टिस करते थे। रविंद्र जडेजा ने 2005 में टीम इंडिया की अंडर 19 टीम में डेब्यू किया। फिर 2006 वर्ल्ड कप अंडर 19 क्रिकेट में फाइनल में बहुत ही अच्छा बारी खेला था जडेजा ने। और फिर 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत जा इंडिया, और उसी टीम में कैप्टन थे विराट कोहली और वाइस कैप्टन थे रविंद्र जडेजा। जडेजा का इन सब टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके चलते 2009 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जडेजा का बहुत ही आसानी से प्रवेश हो गया। जडेजा ने फर्स्ट इंटरनेशनल इनिंग्स पे श्रीलंका के खिलाफ 60 रन की एक अच्छा बारी खेला। फिर इंग्लैंड के साथ एक T20 मैच में जडेजा का थोड़ा खराब प्रदर्शन रहा। उसी मैच में जडेजा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। जडेजा को ज़्यादा टाइम टेस्ट मैच में ही देखा जाते थे, वनडे और T20 में उतना ज़्यादा प्रदर्शन ही नहीं मिलता था उसका। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था क्योंकि उस टाइम युवराज सिंह, सुरेश रायना, यूसुफ पठान जैसे बड़े बड़े ऑलराउंडर लेजेंडरी प्लेयर्स इंडिया टीम में बैठे थे ऑलरेडी। 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में जडेजा का बहुत ही बड़ा भूमिका रहा। इस टूर्नामेंट में जडेजा ने 12 विकेट लेकर टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर बना था और गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया था। IPL में जडेजा का अच्छा परफॉर्मेंस के कारण जडेजा हमेशा से ही चर्चे में रहते हैं। 2008 में IPL विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स के हिस्सा रह चुके हैं रविंद्र जडेजा। फिर 2012 से रविंद्र जडेजा CSK के साथ जुड़ गया है। जडेजा अवसर टाइम में मार्शल आर्ट, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जडेजा के पास 2 घोड़ा भी है। जडेजा का टोटल नेट वर्थ 90 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, जडेजा का इस साल का IPL परफॉर्मेंस लोगों को इतना पसंद आया कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आप भी कर लो। बाय।